हेलो, मेरा नाम है केतन और एक बार फिर ऑल्ट न्यूज हाजिर है बीते हफ्ते के बड़े फैक्ट चेक्स लेकर। यहां हम आपके सामने रखते हैं उन बातों की सच्चाई जो बीते एक हफ्ते में झूठ बनकर खबरों या सोशल मीडिया के जरिए फैल रही थी। आप इन सभी खबरों के बारे में तफसील से पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जाकर, जो है altnews.in। और अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो जाएं altnews.in/hindi पर। चलते हैं पहले फैक्ट चेक की तरफ, जो है पाकिस्तान से जुड़ा हुआ। तो हुआ ये कि भाजपा सदस्य सुरेंद्र पूनिया, जो अक्सर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हुए देखे गए हैं, इन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन यानी गावी के तहत भारत में निर्मित COVID-19 वैक्सीन मुहैया करवाने का अनुरोध किया है। हुआ ये था कि खबर आई थी कि पाकिस्तान को भारत में बनाने वाली COVID-19 वैक्सीन मुहैया करवाई जा रही है। इसके बाद ही सोशल मीडिया पर इससे जुड़े कई दावे किए गए। टाइम्स नाउ ने भी पहले तो ये ट्वीट किया कि भारत पाकिस्तान को वैक्सीन की डोज मुहैया करवाएगा। बाद में उन्होंने ये ट्वीट डिलीट किया और फिर बताया कि ये गावी के तहत ही हो रहा है। पंजाब केसरी ने तो दो कदम आगे बढ़ते हुए कह दिया कि पाकिस्तान को मुफ्त कोरोना वैक्सीन दी, भारत सरकार की सराहनीय पहल। इस ट्वीट के साथ जो आर्टिकल था वो अब हटा दिया गया। ये बात सच है कि भारत COVID-19 वैक्सीन उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है और ये खुद के इस्तेमाल के साथ साथ दुनिया की और डेवलपिंग कंट्रीज में भी वैक्सीन्स मुहैया करवा रहा है। असल में मामला ये है कि कोवैक्स नाम के इंटरनेशनल वैक्सीन अलायंस के तहत पाकिस्तान को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 4.5 करोड़ डोज मुहैया करवाई जाएगी। ये वैक्सीन इंडिया में बनी है, न ही भारत प्रत्यक्ष तौर पर पाकिस्तान को वैक्सीन दे रहा है और न ही पाकिस्तान ने कोविशील्ड के लिए भारत से ऐसा कोई अनुरोध किया है। आपको ये भी बता दें कि कोवैक्स का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ अभी तक का जो अग्रीमेंट है वो 200 मिलियन डोजेस का है। इस मामले से जुड़े पेज आप ऑल्ट न्यूज की वेबसाइट पर जाकर पूजा चौधरी की रिपोर्ट में पढ़ सकते हैं, वहां आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। हम चलते हैं अपने अगले फैक्ट चेक की तरफ, जो है जय शाह और उनके मानहानि के दावे से जुड़ा हुआ। सोशल मीडिया पर लोगों ने दावा किया कि ऑनलाइन न्यूज आउटलेट द वायर ने सुप्रीम कोर्ट में माफी की अर्जी दी है। दावों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह ने द वायर के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था, जो द वायर हार गया और कोर्ट में माफीनामे की पेशकश की है। भाजपा नेता और पूर्व सांसद हरिओम पांडे ने 19 मार्च को एक ट्वीट करते हुए यह दावा किया। पत्रकार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के नाम से बने एक फर्जी ट्विटर अकाउंट पर भी यही दावा किया गया कि द वायर ने माफीनामे की पेशकश की है। असल में मामला यह है कि द वायर ने 8 अक्टूबर 2017 को एक आर्टिकल पब्लिश किया था, जिसमें बताया गया था कि भाजपा के चुनाव जीतने के एक साल बाद ही जय शाह की कंपनी का टर्नओवर 16,000 गुना बढ़ गया था। जय शाह ने द वायर के खिलाफ क्रिमिनल और सिविल मानहानि का मामला दायर कर दिया, जिसमें उन्होंने 100 करोड़ की भरपाई की मांग की थी। द वायर के संस्थापक सिद्धार्थ वरदराजन ने ऑल्ट न्यूज को बताया कि केस का ट्रायल अभी शुरू भी नहीं हुआ है, मुझे नहीं पता है कि लोग किस आधार पर ऐसे बेतुके दावे कर रहे हैं। द वायर ने गुजरात हाईकोर्ट में इस आपराधिक मानहानि के मामले को रद्द करने की याचिका दी थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद आउटलेट ने जनवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। जय शाह पर आर्टिकल लिखने वाली पत्रकार रोहिणी सिंह ने ट्विटर पर इस दावे को गलत बताया और कहा कि अभी तो सुनवाई भी नहीं शुरू हुई है और लोगों ने फैसला भी सुना दिया है। बारी है फैक्ट चेक नंबर 3 की, जिसके केंद्र में है कांग्रेस और कोविड वैक्सीन को लेकर किया गया एक दावा। कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल से एक इंफोग्राफिक शेयर किया गया। इसमें यह बताने की कोशिश की जा रही थी कि यूपीए सरकार वैक्सीन द्वारा रोके जा सकने वाले 12 रोगों की मुफ्त वैक्सीन मुहैया करवा रही थी, लेकिन अब जब केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो एक कोविड वैक्सीन डोज के गैर सरकारी अस्पताल में 250 रुपए लिए जा रहे हैं। कांग्रेस के कई हैंडल्स ने यही दावा किया और यह इंफोग्राफिक ट्वीट किया। यहां समस्या इस दावे के मूल में ही है। असल में कांग्रेस जिस वैक्सीन की बात कर रही है वो यूआईपी यानी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत दी जाती है। ये कांग्रेस के समय में भी दी जा रही थी और आज भी दी जा रही है। प्राइवेट अस्पतालों में इसके पैसे पड़ते हैं और सरकारी में ये मुफ्त में मिलती है। यही हाल कोविड वैक्सीन का भी है। जिस कोविड वैक्सीन के दाम की बात कांग्रेस अपने इस दावे में कर रही है वो प्राइवेट अस्पतालों के हैं। सरकारी अस्पतालों में जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है वो एकदम मुफ्त है। अगला फैक्ट चेक है कनाडा में लगे नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहते हुए बिलबोर्ड से जुड़ा हुआ। 11 मार्च को ANI ने यह खबर दी कि कनाडा के ग्रेटर टोरंटो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाले बिलबोर्ड्स लगाकर उन्हें कोरोना वैक्सीन के लिए धन्यवाद कहा गया है। देखते ही देखते ये खबर हर एक मीडिया चैनल ने छाप दी। अमर उजाला ने अखबार में कोरोना वैक्सीन मिलने पर कनाडा हुआ भारत का मुरीद
इस हेडिंग के साथ खबर छापी। जी न्यूज ने अपने आर्टिकल में यही बात लिखी तो सीएनएन न्यूज 18 ने एक ब्रॉडकास्ट के दौरान यह खबर चलाई और कहा कि कनाडा पीएम मोदी को धन्यवाद कह रहा है। हालांकि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री से बात की और भारत के डेवलपिंग देशों के लिए कोविड वैक्सीन बनाने की सराहना भी की और साथ ही शुक्रिया भी अदा किया था, लेकिन इन बिलबोर्ड्स का उससे कोई लेना देना नहीं है। असल में ये होर्डिंग हिंदू फोरम कनाडा नाम की एक संस्था ने लगवाया था। बोर्ड पर यह लिखा हुआ साफ साफ देखा जा सकता है। न्यूज एजेंसीज और चैनल्स ने यही बात नहीं बताई और इससे यह संदेश गया कि कनाडा के लोगों ने मिलकर या कनाडा के प्रशासन ने यह होर्डिंग लगवाया है, जबकि इस होर्डिंग के पीछे एक हिंदूवादी संगठन का हाथ था जो दक्षिणपंथी है और अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के जरिए लगातार नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करता आ रहा है। इस फोरम की वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि यह हिंदू फोबिया के खिलाफ खड़ा हुआ है और इसके मुताबिक केरला में होने वाली आरएसएस वर्कर्स की हत्या के बारे में मीडिया बात नहीं करता है। और यहीं अगर हम कनाडा को मिलने वाली वैक्सीन्स की बात करें तो बात चाहे भारत निर्मित वैक्सीन्स की हो या और भी बाहरी वैक्सीन्स की, कनाडा इनके लिए रकम अदा कर रहा है। भारतीय सरकार की वेबसाइट पर जिन 5 लाख डोजेस का जिक्र है वो कमर्शियल सप्लाई में लिखी हुई है, जिसका मतलब है कि इसके बदले कनाडा की सरकार पैसे अदा करेगी। वहीं कनाडा की सरकार पर जिन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और उसके कनाडाई पार्टनर वेरिटी फार्मा द्वारा निर्मित 20 लाख डोज का जिक्र है वो भी कनाडा खरीद रहा है। तो ये थे हमारे बीते हफ्ते के कुछ जरूरी फैक्ट चेक्स। इनके बारे में या और भी फैक्ट चेक्स आप पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट altnews.in पर जाकर। इस वीडियो को अपने आसपास लोगों के साथ शेयर करें जिससे मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ लड़ाई में हम और भी मजबूत हो सकें। मेरा नाम है केतन और Alt News में अपना भरोसा दिखाने का शुक्रिया। आपका भरोसा हमारी ताकत।